चनका पंचायत में पैक्स का चुनाव हो रहा है और आप प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे जनता को? हम जनता से यही अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि मैं अजय कुमार विश्वास आप लोगों के सेवा के समक्ष अपना अनुदान या मौका या अपने टैलेंट दिखाना चाह रहा हूँ। उम्मीद रखते हैं, सबसे गुजारिश है कि हमें एक बार मौका दें, परिवर्तन लाएं, तभी आपका हित है कि अनहित है ये मेरे ऊपर डिपेंडिंग है। हमने आप लोगों के लिए क्या विकास में सहयोग लाएंगे, पंचायत में आपके साथ रहेंगे, बस जो भी फंड आएगा उसमें आप लोगों को सुझाव समझौता तहत हक देंगे, बस यही कहेंगे जनता जनार्दन से, पहले तो हमें मौका दिया जाए फिर हमारे बारे में जाना जाए। किसानों को क्या खुशखबरी देते हैं? किसान भाइयों सबका खुशखबरी, जो पैक्स में हमारे फंड आते हैं, खाद बीज वगैरह जो भी आएंगे, हम उनको सही टाइम पे मुहैया करवाएंगे और अपील देंगे कि हमें भी आगे मौका दें और हमें नियंत्रण मौका देते रहें और हम सभा नियंत्रण प्रदान देते रहें किसान एक, भाई को। एक बात बताइए, आप नए प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं जी, लेकिन आपको पता है कि पैक्स में सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सरकारी गाड़ियां दी गई है जी, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया जी, जी। थ्रेसर हो गया धान और गेहूं के लिए जी। उसके बाद रोटा वाटर हो गया जुताई के लिए जी। क्या यह सब आपके पंचायत में मिला था? और जो पूर्व अध्यक्ष था जी, क्या वह इस विषय में जनता को जानकारी दिया था, जनता इसकी लाभ ले पा रही थी जी? ये हम लोग भी पहले सदस्य वोटर ही थे, इस बार हमने मोटिव बनाया, जनता का गुहार सुना, जनता का तकलीफ सुना, तो हमने अपना प्रस्ताव बदला कि नहीं हम इसमें जो है पहल करेंगे और जो भी चीज़ सरकारी फंड है, पहले भूतपूर्व जो भी सब अध्यक्ष थे उसके माध्यम से हमें कोई जानकारी नहीं थी, हो सकता है अब जानकारी मिले या वो खुद दे रहे हैं या विपक्ष पार्टी दे रहा है, लेकिन जनता के बीच ये चीज़ उजागर हो रही है और अगर ये चीज़ उजागर जनता के बीच होगी तो मैं अगर अध्यक्षता पद पर चुना जाता हूँ तो मैं वो सारा सुविधा का अनुदान प्रदान करूंगा जनता किसान भाइयों के बीच जो कि हमारे इस फंड में आएंगे। आपके पंचायत में कब है चुनाव? हमारे पंचायत में 1 दिसंबर को चुनाव है। 1 दिसंबर को चुनाव है, चुनाव चिन्ह मिल गया है आपको? जी मिल गया है, मोतियों का माला छाप मेरा है, वो 1 नंबर पे क्रमांक 1 में मेरा चुनाव चिन्ह है। हम सभी से अपील अनुरोध करते हैं एक मौका हमें मिले ताकि हमें मेरे अंदर में क्या टैलेंटेड है और जनता के प्रति क्या लगाव है हमें मौका दिया जाए हमें दिखाने की। क्या परिचय? मेरा नाम अजय कुमार विश्वास। कौन सा पंचायत है? चनका पंचायत। कौन प्रखंड है? ये श्रीनगर प्रखंड हुआ। पंचायत में बहुत सा कृषि संचार को लेकर विकसित किया गया था जी। बहुत से जनता को यह मालूम नहीं है कि पैक्स चुनाव होता क्या है और इसमें क्या चीज मिलती है जी। तो क्या आप जानकारी देंगे जनता को ताकि आपको वो चुन सके? अवश्य देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि अगला चेयरमैन जो भी हो अध्यक्ष पद पे उसने गुमराह करके जनता को रखा है। इसी चीज को दूर करने के लिए अजय कुमार विश्वास आगे निकला है और आगे अगर ये कामयाब होता है तो हम हर चीज की जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देंगे जो जिस लाभ से वो अभी तक वंचित है। आपका चुनावी में जो है मोतियों की माला छाप क्रम संख्या 1 पे है जी, हमारी मोतियों की माला छाप हुआ चुनाव चिन्ह जो कि क्रम संख्या 1 पे है। अपने अपने पंचायत में पैक्स चुनाव का जो है मतदान देते हैं और इससे पहले भी आपका पैक्स अध्यक्ष रह चुका है, क्या आपको पता है कि पैक्स में क्या चीज मिला था कृषि संचार के लिए? सुविधा कुछ मिला था? जानकारी नहीं, नहीं दिया ही नहीं। हर पंचायत में तो हर हम लोग क्या नहीं दे रहा है, हर पंचायत में तो देख रहे ट्रैक्टर मिला है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ तो नहीं कुछ नहीं, कुछ खाद बीज कुछ नहीं, बदलाव मिला वो ट्रैक्टर क्या हो रहा कुछ भी नहीं सर, बदलाव की बार होगा, कुछ मांगने के लिए जाता है, चेंज होगा, आप लोग बदलाव चाहते हैं, मांगने चेंज होगा वो भी फिर बदल नहीं है, जाओ बंद कर देता है, क्या करेंगे? इस बार बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2 कैंडिडेट आपके चुनाव में मैदानी में खड़ा है, किसको चुनने का विचार है? हम लोग सर अजय कुमार को चुने। क्या लग रहा है कि इसको चुनने के बाद आपका खाद बीज और ट्रैक्टर मिल सकेगा? मिलेगा सर, विकास भी होगा कुछ अगर चलेगा तो। क्या परिचय? मेरा सर छटकन कुमार ऋषि। कहाँ घर? सर उदयनगर टेरेवाल। इससे पूर्व में जो चेयरमैन थे यानी पैक्स अध्यक्ष, उनका द्वारा ट्रैक्टर जो सरकारी दिया गया था कृषि विभाग द्वारा, तो क्या आप लोग को मिला था खेत जोतने के लिए? नहीं मिला तो नहीं था, लेकिन हम पूर्व से भी मेंबर थे,
पूर्व से कार्यकारिणी सदस्य थे, सदस्य पैक्स के और हम लोगों को कहीं कोई चीज का जानकारी दिया ही नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है क्योंकि पैक्स अध्यक्ष कुछ भी करेंगे अपने पंचायत के पैक्स में, तो तमाम कार्यकारिणी को इस बात का मुलक्कित होना चाहिए। आज तक एक भी कार्यकारिणी का बैठक नहीं किया जो कि 10 साल। अच्छा, आप लोगों के हम लोग भी बहुत तरह से उससे कहे कि कम से कम आप कार्यकारिणी बैठक कीजिए और किसान भाइयों से अपील कीजिए, हर किसान भाई जो पैक्स में अनाज देते हैं कम से कम उससे संपर्क कीजिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सबको बरगला के ये लोग रख लिया। पूर्व से ही उसके यहाँ अध्यक्ष रहे, पूर्व से ही रहे, हमने 10 साल से रहे। ना आपको मिला, ना किसानों को मिला है? ना किसानों को मिला, ना किसान से कोई यहाँ संपर्क हुआ। इस बार जनका पंचायत में कुल कितने प्रत्याशी आ रहे हैं मैदान में? 2 प्रत्याशी हैं। किसकी उम्मीद लग रही है? लेकिन अभी अजय कुमार विश्वास के तरफ से अभी बहुत बहुमत है, बहुत किसान भाई इसको चाह रहा है और चाहेगा भी, और भी ये बदलाव होकर के आएगा और सब बदलाव खोजता है, हर किसान बदलाव खोजता है और बदलाव करेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या परिचय है आपका? मेरा मधुलाल विश्वास, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य चनका पंचायत।